आज 6 अप्रैल है। भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारी विकास यात्रा को 32 वर्ष पूर्ण होकर के 33वें वर्ष में हम लोग प्रयाण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, तैतीस वर्ष की यात्रा पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नई आशा को जन्म देने वाली यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी का जन्म उस समय हुआ था जब देश के भविष्य को कुछ निजी स्वार्थ वाले तत्व अपने निहित स्वार्थ के खातिर नए नए सवाल उठा करके देश में एक ऑल्टरनेट पनपे नहीं, उस षड्यंत्र के शिकार हुए थे। एक सौ से ज्यादा सदस्य वाले सदन में आए दिन भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने का प्रयास होता था, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ा जाता था और उस पीड़ा में से, उस दर्द में से सत्ता के मार्ग को छोड़ करके जनता के बीच जाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और तब से हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से इस पार्टी ने जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास प्रारंभ किए थे। भारतीय जनता पार्टी का जन्म सत्ता भूख में से नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म सत्ता के दलालों की भलाई करने के लिए नहीं हुआ है। इस पार्टी का जन्म देश के कोटि कोटि नागरिकों के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है, कल्याण के लिए हुआ है। और जब कोई अच्छा काम करता है तो रुकावटें भी कम नहीं आती है। भाइयों बहनों, कभी मैं केरल की तरफ देखता हूं, क्या कारण है कि साम्यवादियों के लगातार हमलों के बावजूद भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने के बावजूद भी, चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत मिले या न मिले जिंदगी खपा देने में कभी कमी नहीं रखता है। क्या कारण है कि सत्ता गलियारों से दूर दूर तक का भी नाता न होने के बावजूद भी एक भारत माता की जय के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले लक्षावधि लोग आज भारतीय जनता पार्टी का कमल का झंडा उठा करके चल रहे हैं। और मैं दिल्ली में बैठे हुए शासकों को चेतावनी देता हूं, अगर आप सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपकी सीबीआई के हमले भारतीय जनता पार्टी को निराश करेंगे तो आप गलती कर रहे हैं सोचने में। आपको लगता है कि आपके गवर्नरों के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को परेशान करोगे? आप लिख के रखिए, जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां की जनता दिल्ली सरकार के और कांग्रेस पार्टी के इस रवैयों का चुन चुन करके जवाब देती है और देती रहेगी।
सारी संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के दल को परेशानी और डालना, इसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। कांग्रेस के मित्र, ये दिल्ली में आपका सत्ता का नशा लंबे दिन तक रहने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच के बीच कभी कोई मेल नहीं हो सकता है। भाजपा का चरित्र और कांग्रेस के चरित्र का कभी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस जिन पर आश लगा करके बैठी है, जिनके शब्द कांग्रेस की नीति माने जाते हैं, ऐसा एक नेता का दो दिन पूर्व मैंने एक भाषण सुना। मित्रों, मुझे बहुत गहरा धक्का लगा, मन को पीड़ा हुई। क्या ये लोग देश के विषय में ऐसा सोचते हैं? भाइयों बहनों, कांग्रेस का एक नेता कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सोच को प्रकट कर रहे हैं, वो कहते हैं ये भारत देश मधुमक्खी का छाता है, मधपुड़ो छे मधपुड़ो। मेरे कांग्रेस के मित्रों, आपके लिए यह देश मधुमती का छाता हो सकता है, हमारे लिए यह देश हमारी मां है। मां, ये भारत मेरी माता है, उसके 100 करोड़ देशवासी हमारे भाई बहन है। ये पवित्र भूमि है, ये ऋषियों की मुनियों की भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, यहां का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि गंगा जी में बहती हुई हमारी हड्डी को कान लगाकर सुनोगे तो उस हड्डी में से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये हमारे संस्कार है, हमारे लिए मां है मां। इस मां की पीड़ा हम देख नहीं सकते। यह हमारी मां है जिसके संतानों का दुख दर्द हमारी चिंता का कारण है। आपके लिए यह मधुमक्खी का छाता हो सकता है, हमारे लिए मां है। और मेहरबानी करके कांग्रेस के मित्र, हमारी भारत मां का अपमान मत करो। आपको अगर हिंदुस्तान के लोगों की भाषा समझ नहीं आती है तो कहीं से सीखा करो, लेकिन आपके अज्ञान के कारण मेरे देश की संस्कृति, मेरी परंपरा, उसको बर्बाद करने का पाप मत करो। भाइयों बहनों, मैं कभी किसी नेताओं के भाषण पर समय बर्बाद नहीं करता हूं, क्योंकि वो ध्यान देने योग्य होते भी नहीं है। लेकिन जब हमारी भावनाओं पर चोट पहुंचाई जाती है, जिस मां के लिए, जिस मां के कल्याण के लिए जीवन खपाने वाले लक्षावधि कार्यकर्ता हो, उनको पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, इस देश में पानी की समस्या है, इसका देश के नेताओं का अता पता भी नहीं है। दया आती है आप पर, दया आती है हमें। हमारे गुजरात कांग्रेस के नेता पानी को लेकर के गुजरात के किसानों को, गुजरात के नागरिकों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं,
आवाहन भी करता हूं, अगर आपको गुजरात के किसानों की इतनी चिंता है, अगर आपको गुजरात के गांव में पानी की चिंता है और सच्चे दिल से चिंता है, तो आप समय बर्बाद किए बिना दिल्ली की आपकी सरकार पर दबाव डालो और सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई का काम जो अटका हुआ है उसको पहले पूरा करो। मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, गांव गांव से आवाज उठनी चाहिए, नर्मदा डैम को पूर्ण करने के लिए अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, हम दिल्ली के तख्त के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस के लोग, हर गली मोहल्ले में अब आपको जवाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी से सुधरने की अपेक्षा मत करो, वो कभी नहीं सुधर सकते। इस चुनाव में गुजरात की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को सजा की है, जिस प्रकार से उनके एक एक दिग्गज नेताओं को इस देश गुजरात की जनता ने परास्त कर दिया है, जो भाषा का वो पिछले 5 साल से प्रयोग कर रहे थे, जिस झूठ के सहारे गुजरात की जनता को गुमराह करने का रात दिन प्रयास कर रहे थे, जिस गंदी गालियों का उपयोग किया जा रहा था, गुजरात की जनता ने उस भाषा को बोलने वालों को चुन चुन करके साफ कर दिया। आशा थी कि वे समझेंगे, सुधरेंगे, लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन भाइयों बहनों, इस सरकार को अभी तो कल 101 दिन हुए हैं, अभी तो कल, लेकिन 100 दिन भी वो इंतजार करने को तैयार नहीं है। उनकी मनस्थिति क्या होगी इसका अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विकास के मंत्र को लेकर के चली है। मैं आज गुजरात की धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे हैं, तब मैं गुजरात की जनता की ओर से उनसे कहना चाहता हूं कि आज चारों तरफ आपने इतना बड़ा दिल बताया है, सार्वजनिक जीवन में इतनी ऊंचाई का अनुभव करवाया है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने बहुत बड़ा बड़प्पन दिया है। भाइयों बहनों, राजनीति में छोटी घटना नहीं होती है। अपने साथी के लिए इस ऊंचाई तक ले जाना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है, बहुत बड़ा दिल लगता है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है, आपने जो मेरी इज्जत की है, देश भर के कार्यकर्ताओं के दिलों में आपने मेरी जगह बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये यश भले मोदी को मिलता होगा, नाम भले मोदी का लिया जाता होगा, लेकिन इस यश के यशदार ये सारे मेरे भाई बहन हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं। मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपने परिश्रम न किया होता, आपने विकास में विश्वास न किया होता, आपने इस देश की भलाई के मंत्र को चरितार्थ न किया होता, तो नरेंद्र मोदी को कौन पहचानने वाला था। ये पहचान आपके कारण बनी है, आपके पुरुषार्थ के कारण बनी है, आपके त्याग और तपस्या के कारण बनी है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं। और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं पहले दिन जब से ये कार्य संभाला है, उस दिन से मैंने कहा है, आज मैं दोबारा दोहराता हूं, मैं परिश्रम में कोई कमी नहीं रखूंगा।
मैं बद इरादे से कोई पाप नहीं करूंगा। और भाइयों बहनों, जब मैं कहता हूं इंडिया फर्स्ट, उस लक्ष्य से, उस मार्ग से भारतीय जनता पार्टी कभी चलित नहीं हो सकती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हम देश के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। गली मोहल्ले में भी काम करेंगे, लेकिन भारत माता के लिए करेंगे। हम गुजरात की सेवा करते हैं, हमारा तो मंत्र है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम सबने इस मां भारती के कल्याण के लिए अपने इस कार्य को निराशा की गर्त में डूबे हुए समाज में एक नया विश्वास पैदा करके हमें करते रहना है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में एक आशा का किरण बनी हुई है। और ये बात जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो जाने, दुनिया में पॉलिटिकल पार्टियों का जन्म होने के बाद 80-80 साल तक उन पार्टियों को सत्ता स्थान पर पहुंचने का मौका नहीं मिला है। ऐसे दुनिया में कई उदाहरण है। ये भारतीय जनता पार्टी है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, लेकिन जन्म से जवानी तक पहुंचते पहुंचते इस देश की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमें सेवा करने का मौका दिया था। इंग्लैंड की लेबर पार्टी 80 साल तक मौका नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी को जी का सपना पूरा करने के लिए देशवासियों को नई भारत की प्रेरणा की जरूरत नहीं है। विवेकानंद जी के शब्द काफी है, विवेकानंद जी का संदेश काफी है, विवेकानंद जी का जीवन काफी है। उसे प्रेरणा लेकर के एक नए उमंग और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी जहां भी पहुंची है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थिति पैदा की है, वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं है। पीढ़ियां पीढ़ियां मित्रों, परिवार के परिवार इस पार्टी के लिए खप गए हैं। एक जमाना था, अगर महंगाई के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जुलूस निकालते थे, 21-21 दिन की सजा हुआ करती थी। पूरा परिवार 21-21 दिन गुजरात की जेलों में रहने के लिए मजबूर होता था। ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण ये पार्टी यहां पहुंची है। इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने वाले, अपने परिवारों को खपा देने वाले, अपनी जवानी को खपा देने वाले उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं का मैं आज पुण्य स्मरण करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हमको करना है। हम यहां से संकल्प लेकर के जाने वाले हैं और हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान रूपाला जी हम सबको संकल्प दिलाने वाले हैं। लेकिन ये संकल्प की एक विशेषता है, हमारे हाथ में हमें मोमबत्ती दी है, जलानी है। जब मोमबत्ती जलाएंगे तो ये सारी रोशनी बंद होने वाली है। भाइयों बहनों, ये प्रकाश की ओर जाने का संदेश है और घर घर गांव गांव कमल खिलाने का संदेश है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को दिन रात गाली देते हैं, नई नई डिक्शनरी के शब्द निकालते हैं, वे कान खोल करके सुन लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी पर जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। और उस कमल के संदेश को लेकर के आइए भाइयों बहनों, आज अपनी पार्टी के 33 वर्ष की यात्रा का गौरव करते हुए एक नई यात्रा के लिए शुभ संकेत करके चले। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आपको जो मोमबत्ती दी गई है उसको जलाया जाए। और यहाँ की व्यवस्था वालों से मेरी प्रार्थना है कि स्टेडियम में और लाइटें बंद करके इस नजारे का अनुभव किया जाए
और जब तक ये विधि पूरी नहीं होती है हम अपना स्थान छोड़ेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता।